आज हम बनाएंगे मक्के के आटे की रोटी, जिसे बनाना अक्सर सभी के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी, जिसके बाद आप मक्के के आटे की रोटी बिल्कुल गेहूं के आटे की रोटी की तरह बनाएंगे। आइए देखते हैं बिना टूटे बिना फटे हम मक्के की आटे की रोटी कैसे बनाकर तैयार करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टी मसाला कुकिंग में। तो हमने यहाँ पर एक चाय वाला कप लिया है, इससे हम नाप के 2 कप मक्के का आटा ले लेंगे। तो आप यहाँ पर आटा नापने के लिए कोई भी बर्तन सेट कर ले और उसी से पूरा मेजरमेंट ले। तो हमने यहाँ पर तो गैस पर एक बर्तन रख लें और गैस की फ्लेम को इस समय हाई पर कर दें। 1 कप पानी ले लेंगे, तो जिस कप से नाप के हमने आटा लिया था ना, उसी कप से नाप के हम पानी ले लेंगे। तो मेज़रमेंट जो है पूरा नाप के लेना है, जैसे 2 कप मक्के का आटा और 1 कप पानी। तो अच्छा सा उबाल आने देंगे पानी में। पानी में जब बढ़िया सा उबाल आ जाए तब हम यहाँ पर इसमें आटा ऐड करेंगे। इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो आटा है इसको हम पानी में मिक्स कर लेंगे। तो पानी में हमने आटे को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा रेस्ट पर नहीं रखना है, 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो रेस्ट पर रखने से पहले हम थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ऊपर से। तो मैंने ये नॉर्मल पानी लिया है, ना ही गर्म ना ही ठंडा, नॉर्मल पानी। हम थोड़ा सा छिड़कने के बाद इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आटा है हमारा सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसमें खिंचावपन भी आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो आटा जो है हमारा हल्का ना ठंडा हो गया है, तो हम इसको एक परात में निकाल लेंगे। परात में निकालने के बाद हमने इसको बढ़िया से मसलना है। तो हमने यहाँ पर अभी पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने पानी पहले ऐड किया था ना, उसी से ही यह आटा गूंथ कर तैयार हो जाएगा। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको खूब अच्छे से मसल कर और बढ़िया से इसको गूंथ लूँगी। आटे को जितना अच्छे से मसल कर लेंगे ना, तो रोटियाँ उतनी ही फूली फूली और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो हमने यहाँ पर आटे को अच्छे से मसल लिया है, हल्का सा पानी लेंगे और इसको बढ़िया से चिकना कर लेंगे। तो आटा अगर सूखा सूखा लगे आपको तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। तो बढ़िया से हम इसका एक मुलायम डो लगा लेंगे। तो ये लीजिए, आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर 4 से 5 लोई तोड़कर तैयार कर लेंगे। तो जो मक्के के आटे की रोटी है ना, वो थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती। तो हमने यहाँ पर 5 लोई बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो 1 लोई उठाएंगे, पहले हम हाथ को थोड़ा सा ऑयल से चिकना कर लें ताकि जो आटा है वो हाथ पे चिपके ना। तो ऑयल से चिकना करने के बाद हम यहाँ पर 1 लोई उठाएँगे और आटे को हम ना ढक कर रख देंगे ताकि बाकी की जो लोई हैं वो सूखे ना, अच्छे से सॉफ्ट बनी रहें। तो हम यहाँ पर लोई को बढ़िया से पहले अच्छे से हाथ से मसल लेंगे और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो आप यहाँ पर सूखे आटे का यूज़ भी कर सकते हैं, सूखा आटा लगा के भी इसको बेल सकते हैं या फिर बिना आटा लगाए भी इसको बेल सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल क्रैक फ्री जो हमारी लोई है बनकर तैयार है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है लोई में। तो अब मैं इसको बढ़िया से बेल लूँगी। पहले हम लोई को थोड़ा सा फैला लेंगे और उसके बाद हम इस पर हल्का सा सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। लोई को बेलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप इस तरीके से मक्के के आटे की रोटी बनाएंगे ना, तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हम इसको बेल पा रहे हैं। हल्के से जो साइड में क्रैक्स आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीच में से हमारी रोटी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए और बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप ढेर सारी रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से बेल रही हूँ जैसे हम गेहूँ के आटे की रोटी बनाते हैं ना, इस तरीके से बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप भी बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से मक्के के आटे की रोटी बना पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको मोड़ा तभी भी नहीं टूटी। तो आप इसको कितना भी हिला लें बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं रोटियां। तो ये मैंने यहाँ पर सारी रोटियां बनाकर कर ली हैं तैयार। तो अब चलते हैं इनको सेकने के लिए। तो गैस पर तवे को कर लें अच्छे से गर्म। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और रोटी को हम हल्का सा, जब ये ड्राई हो जाए तब हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड से बढ़िया से हम तवे पर भी सेक सकते हैं या फिर आप इसे सीधे गैस पर भी सेक सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी रोटी जो है एकदम बनकर तैयार है, एकदम फुली फुली सॉफ्ट रोटियां बनकर तैयार होती हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम सभी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मक्के की रोटी बनाना हुआ आसान, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप इन रोटियों को सरसों के साग, हरी सब्जी के साथ सर्व कीजिए। साग की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी में, टेक केयर, बाय बाय।